अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज आपके लिए क्या बन रहा है, आज हम आपके लिए डिप बना रहे हैं जो आप किसी भी नान के साथ और टोर्टियाज के साथ और नैचोस के साथ किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। आज हम बना रहे हैं आपके लिए बाबा गनूश विथ बैंगन के साथ। दो बैंगन है मेरे पास सबसे बड़े और इनको रेसिपी को स्टार्ट करते हैं ना। चलिए तो आपने लेना है पैन, मैं इसे बेक कर रही हूँ। आप ऑब्वियसली बाहर ग्रिल पे भी कर सकते हैं और गैस वाला जो स्टोव होता है उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं, तो इसका एक स्मोकी फ्लेवर आएगा। लेकिन मैं इसे बेक कर रही हूँ 425 पे। मैंने अपना ओवन जो है प्री हीट किया है, उसमें जाएगा ये 25 to 30 मिनट्स अंटिल के ये सॉफ्ट हो जाए। तो हमने अपने बेक होने के लिए रख दिए हैं जो बैंगन हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े साइज के मिलते हैं और आप अपने हिसाब से देख लें जितने आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है पैन, पैन में मैं डाल रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल 1 कप। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 8-10 जो हैं लहसुन के जोए इसके अंदर। अब आप इसे सिमर होने दें तकरीबन 40 to 45 मिनट ताकि ये अच्छी तरह रोस्ट हो जाए, पर मीडियम लो पे आपने करना है इसको। बॉयल नहीं करना, कुछ नहीं, आपने लेट इट रेस्ट जब तक हमारा वो भी हो जाएगा और ये भी दोनों साथ साथ रेडी हो जाएंगे। सो आप देखें ये सिमर हो रहा है बिल्कुल लो मीडियम पे और आपने बिल्कुल इसी तरह लो मीडियम पे ही इसे करना है। चलें, आपने क्या करना है एवरी 10 मिनट्स पे इसको टर्न कर दें ताकि इक्वली ये बन जाए। और आप ये देखें कि कितने नाइसली ये रोस्ट हो रहे हैं, बिल्कुल स्लो हीट पे, लो हीट पे आपने इन्हें रोस्ट करना है। और जो आपके बैंगन हैं उनको आपने हर 10 मिनट में फ्लिप करना है ताकि इवनली वो हर जगह से कुक होते जाएं। तो आप ये देखें कि ये ब्राउन हो गए हैं, जब ये इस तरह ब्राउन हो जाए आपने ब्लैक नहीं करना है, फ्लेवर जले हुए का आएगा, तो आपने स्टोव को कर देना है ऑफ। चलें देखें कि ये हो गए रेडी। इनको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, जैसे रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा नीम गर्म हो, तो फिर हम वापस आते हैं इनका छिलका उतारेंगे फिर आगे। तो ये देखें कि किस तरह ये सारा हो चुका है, लेकिन इसका जो है ना गर्म बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे और इनको जो है ना इसके इस तरह छिलके पूरे उतार देंगे। ये देखें पानी इसका निकल रहा है, तो यही है कि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए और इसका पानी पूरा निकल जाए। सो आप देखें कितने आराम से ये उतरते जा रहे हैं, तो जब ठंडे हो जाएं तो आप ख्याल से इनको उतार लें आराम से ऐसे। तो चलें जी, ये नीम गर्म हो गए हैं, अब हमने उतार लेना इसका छिलका पूरा जो हमने ये रोस्ट किए हुए थे। तो आपने जब इन्हें रोस्ट करने के लिए रखना है बेक करने के लिए उसमें, तो आपने इन्हें एवरी 10 मिनट्स पे मूव करते रहना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह गल जाए। तो इस तरह आप ये सारे इसके पील्स उतार दें। तो चलें ये देखें हो गए। अब मैं क्या करूँगी, अगर आपको बीज बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो थोड़े से निकाल दें, क्योंकि जो इसके सीड्स होते हैं उनसे ये बिटर भी बन जाता है ना, तो कई आपको वो ये होता है कि इसमें देख के लेने होते हैं, कईयों में सीड ज़्यादा होते हैं कईयों में कम, तो मुझे तो उनकी पहचान नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी, इनमें से थोड़े थोड़े इनके सीड्स निकाल दूँगी ताकि ये इसमें बिटरनेस ना आए। पूरे तो नहीं निकालूंगी लेकिन थोड़े थोड़े से निकाल दूंगी दोनों तरफ से। चलें, हमने अब इनके छिलके उतार दिए हैं, थोड़े से सीड्स भी निकाल दिए। अब आपने क्या करना है, इनको सिंपली इस तरह चॉप कर लें, स्लाइस कर लें इनको रफली, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने इनको फिर ग्राइंडर में डालना। तो चलें, अब आपने लेना अपना चॉपर, ग्राइंडर जो भी, और उसमें आप ये डालेंगे अपना एग प्लांट। देखें कि इसको हमने कर लिया स्मूथ। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 tablespoon सॉल्ट, 1 teaspoon ब्लैक पेपर, 1 teaspoon ही मेरे पास ये है जीरा पाउडर और 1/2 teaspoon चिली पाउडर। चिली ले लें, कायन ले लें। और अब आपने इसको करना है दोबारा मिक्स। मिक्स हो गया है, अब हम इसमें 2 tablespoon जो है तहीनी सॉस वो डालेंगे और साथ ही इसे ऑन कर देंगे। ये अब हमने इसको देखें आप कितना अच्छा स्मूथ सा हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूं हमारा जो गार्लिक हमने रोस्ट किया हुआ था वो निकाल के वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी।
और इसकी जो खुशबू माशाल्लाह आएगी ना, आप देखिएगा कितनी अच्छी खुशबू आएगी इसकी। अब इसको हम दोबारा हाई स्पीड पे चलाएंगे। तो चलें अब ये गार्लिक और स्पाइसेस और सॉल्ट सब कुछ, सॉल्ट आप हमेशा, इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, अदरवाइज जो है ना ये बाबा गणेश आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं अब इसका टेस्ट लगेगा। तो सॉल्ट इसमें थोड़ा ज्यादा जाता है, तो आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो हमने ऑयल को गार्लिक में किया था, अब मैं इसको ऑन करूंगी और इसके अंदर ये शामिल कर दूंगी आस्ते आस्ते। तो चलें देखें कि ये हमारे कितनी खूबसूरत सी मजेदार सी सॉस तैयार हो गई। अब आपने क्या करना है, इसमें एक तो आप अपना सॉल्ट चेक कर लें, और यहाँ पे मेरे पास एक अदद लेमन है, उसका लेमन जूस फ्रेश आप ला लेंगे। तो चलें आप देखें कि अब ये लेमन जूस डाल के हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और अब आप अपना यहाँ पे सॉल्ट चेक कर लें। तो आप ये देखें कितनी स्मूथ सी और मजेदार सी रेसिपी डिप रेडी होगी। चलें अब हम इसको सर्व कर। तो देखें हमने इसको प्याली में डाला है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सेट होने दूंगी, ठंडा होने दूंगी, ताकि सब स्पाइसेस गार्लिक की स्मेल इसमें आ जाए। तो 15 मिनट्स के बाद वापस आते हैं। पांच मिनट बाद ही ये अपनी चटनी निकाल ली, चटनी कहनी सॉरी डिप निकाल ली, और इसको हम इस तरह से करेंगे थोड़ा सा। आप थोड़ा ज्यादा रखेंगे तो इसमें यूं करके आप इसके जगह बना सकते हैं आराम से, और इसमें आप इस तरह करके इस तरह करके इस तरह करके इस तरह करके राउंड करके लेके आए। ये देखें वो अभी, क्योंकि वो इतना जमी नहीं है ना, क्योंकि जब आप फ्रिज में रखते हैं तो सेटल हो जाती है। तो इस तरह करके आपने आपने अब क्या करना है, इसमें ये जो ऑयल हमने बचाया हुआ था, ऑलिव ऑयल, वो हम डालेंगे इसमें। अब आपने क्या करना है, मेरे भी पास यहाँ पे कायन पेपर है, आप चिली पाउडर या पेपरिका भी यूज कर सकते हैं, और थोड़ा सा धनिया है, आप सिलेंट्रो भी यूज कर सकते हैं। तो आपने ये लेना है और यहाँ पे इसको डालें इसे, इससे ये है कि फ्लेवर भी आ जाएगा और ये खूबसूरत देखें कितना लगने लग गया। अब आपने अपना सिलेंट्रो लेना है या धनिया है जैसे कि मेरे पास, उससे इसको गार्निश कर लें। और देखें आपकी मज़ेदार सी आसान सी डिप तैयार हो गई है। आगे रमज़ान आने वाले हैं, आप उसमें भी शेयर कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, वेजिटेबल्स के साथ और टोटियास के साथ, टैको के साथ। मैंने यहाँ पे पीटा बाइट्स लिए हैं जो प्री मेड हैं, लेकिन मैं इसकी रेसिपी भी आपको सिखा दूंगी, उनके साथ आप इन्हें सर्व करें। और ये देखें कितनी खूबसूरत सी आपकी डिश बन गई। चलें अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम, डिप को करें मिक्स और से बिस्मिल्लाह। मुझे तो पहले ही पता है ये बहुत अच्छी होगी, क्योंकि बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रही थी ये रेसिपी बनाने का, लेकिन मुझे तो पता है ये बहुत मजेदार होगी। आप देखें शक्ल ही उसकी कितनी खूबसूरत है, तो वैसे ही बंदे का दिल चाहता है कि खाने। इतनी मज़ेदार और परफेक्ट रेसिपी है, आप जाके इसे फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।